Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आज अपने साथ है 2024 वाली Yamaha की RN5M, जिसका ये ब्लैक वाला और सिल्वर वाला एडिशन जो नया आया था वो वाला है BS7 वाला. इसके अंदर थोड़े से प्राइस भी इंक्रीज हुए थे, साथ ही साथ कलर भी चेंज हुआ था. उन सारी चीज़ों के बावजूद में इस गाड़ी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो पुरानी वाली RN5M के मुकाबले थोड़ा सा डिसबैलेंस है. वो क्यों है, वो क्यों नहीं है, वो आज इसकी ऑनर से वीडियो में जानेंगे. क्योंकि इस गाड़ी के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी हैं और बुरी हैं. देखो, वो प्रैक्टिकल लाइफ में ना चीज़ें चेंज हो जाती हैं. स्पेसिफिकेशन में या बुकलेट में हमें चीज़ें अलग बताई जाती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में गाड़ी कैसा शोकेस कर रही है वो हमें वो एक चीज़ देखने वाली थी. वो एक सिर्फ ऑनर बता सकता है कि जब हम इसे चलाते हैं, क्योंकि ये गाड़ी ना थोड़ी सी एग्रेसिव है. जस्ट लाइक मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ. तो इसका पोस्चर तो बहुत अच्छा बनता है, लोग सामने से देखते हैं या हम चलाते हैं तो कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा आता है. बट इस चीज़ का ना ड्रॉबैक भी हो जाता है कि हाथ में ना आपके रिस्क में पेन हो जाता है, बैक पेन हो जाता है, वो सारी चीज़ें भी हैं. तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी अनॉय करती हैं, कितनी नहीं करती, ये आज अपने यथार्थ भाई बताएंगे. कैसे हो यथार्थ भाई? मैं बढ़िया, लेकिन मैं आप बताओ कैसे हो? बस भाई, बहुत बढ़िया. यथार्थ भाई इस गाड़ी के ऑन है ना तकरीबन 1.5 या 2 महीने हो गए इस गाड़ी को ऑन करते हुए. यथार्थ भाई, इस गाड़ी की तरफ आपका प्लान कैसे बना? मेरा तो 3 साल से ड्रीम था इसको लेने का, और इसका लुक्स इतने बढ़िया है, सारे लोग इसमें मरते हैं तो मैं भी इसमें मर गया और फिर ले ली हमने. अच्छा, और कोई अब NS 400 भी आ गई थी आई थिंक उस समय. हाँ, वो नहीं सोची कि यार पावर उसमें बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, इसमें 150 cc का इंजन है, उसमें 400 का है. वो देखी थी, लेकिन जैसे उसके वीडियोस वगैरह में थे, जैसे उसकी जैसे आगे की लुक दिखाई गई थी वीडियो में अलग थी, और जैसे रियल में देखे थे तो उसमें बहुत डिफरेंस था. तो फिर यही ले ली फिर मैंने. अच्छा, मतलब लेनी यही थी, XYZ कोई देखी ही नहीं. हाँ, बस देखी तो मन भी नहीं करा लेने का. कितने की पड़ी भाई हमें ये ऑन रोड दिल्ली में? ये मुझे पड़ी है 2,35,000 की. 2,35,000 रुपये की? ऐसा लगा नहीं यार कि 150 cc के हिसाब से बहुत महंगी है, लेकिन अब क्या करें, दीवानगी इतनी है इसकी. हाँ, ये भी है भाई, डाई हार्ड लवर है इस गाड़ी के. अच्छा, कॉन्फिडेंस कैसा आया? जैसे मतलब सोच के ली थी वैसी गाड़ी फुलफिल है या नहीं है? पावर वगैरह या हैंडल टैकर करना या रोड की प्रेजेंस या लोग पूछते हैं, वो सारी चीज़ें कैसी हैं? 50-50% है. हाँ, मतलब लाइक पावर में तो अच्छी है, नो डाउट. हाँ, बहुत अच्छी है. लेकिन फिर वही बात आ जाती है, माइलेज है और थोड़ा बहुत जैसे बारिश में चलाना. हाँ, उन सब में बहुत बेकार हो रही है. मतलब बेकार? हाँ, बारिश में कैसे? बारिश में स्किट मार जाती है, टायर इसके स्लिप कर जाते हैं, टीसीएस बार बार ऑन हो जाता है. ऑन तो रहता ही, खैर उसका हमेशा ही ऑन रहता है वो. नहीं मतलब सॉरी, अच्छा क्या किक इन हो जाता है? किक इन हो जाता है, टीसीएस बार बार किक इन हो जाता है. और इसका ABS तो कुछ बोला मत, वो तो बहुत ज़्यादा स्किट मारता है. बहुत ज़्यादा कभी भी ऑफ हो जाएगा, स्किट मारने लग जाएगी. अच्छा, लीन वगैरह करते हो? हाँ, कभी कभार हो जाती है. तो टायर का फीडबैक लीन पे कैसा है? लीन पे ठीक है. लीन पे ठीक है, अगर रोड स्लिपरी ना हो तो लीन पे ठीक है बिल्कुल. वरना तो भाई इसके टायर इतने ज़्यादा खास है नहीं बारिश. हाँ, के मौसम में. हाँ, हाँ, कि दिल्ली में तो बारिश भी हो रही है, सारी चीज़ें मिल रही है. अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे डायरेक्ट लोग जब ये स्पोर्ट्स बाइक पे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी एग्रेसिव होती है, तो नॉर्मल लोगों को या आपको कितना समय लगा इसको यूज टू होने में? क्योंकि रिस्क में पेन हो जाता है, मैं जानता हूँ. अभी भी रिस्क में पेन होता है, बैक पेन होता है, वो ट्रैफिक वगैरह में बहुत ज़्यादा हो जाता है. और जैसे हम लोग हाईवे पे जाते हैं तो मतलब थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन होता है. अच्छा, रिस्क तो होने में समय लगता है थोड़ा. हाँ, थोड़ा जैसे आपको 2-3 महीने लग जाएंगे. अच्छा, ब्रेकिंग कैसी है इस गाड़ी की? ब्रेकिंग बढ़िया है. बढ़िया गाड़ी की ब्रेकिंग? बढ़िया है, कोई दिक्कत. पीछे वाला ब्रेक यही है, पीछे वाला ब्रेक सिर्फ सपोर्ट के लिए है. आगे वाला ब्रेक देखोगे तो आगे वाला ब्रेक सही है बिल्कुल. हाँ, पीछे वाली मोस्टली गाड़ियों में अब अच्छा आ भी नहीं रहा है. हाँ, आगे वाला बढ़िया. इसके वैसे 3-4 वेरियंट है ना, एक व्हाइट वाला भी है, किसी में क्विक शिफ्टर नहीं आता, किसी में मॉन्स्टर एडिशन है. तो ये उनसे सस्ती है महंगी है? ये मॉन्स्टर से सस्ती है, बाकी वाइट वाले से तो महंगी है. मॉन्स्टर इससे कितनी महंगी है? वो 40 की बढ़ जाती है, 2-40 की. अच्छा जी. हाँ, बड़ी महंगी कर दी भाई. द्वारका में इतनी बढ़ जा रही है. अच्छा, फैमिली का क्या वो था रिस्पॉन्स जब आप लेके गए? क्योंकि फैमिली को तो नहीं आती भाई ये गाड़ी पसंद. नहीं बिल्कुल, वो तो साफ मना करती है. उनमें लगता है कि भाई ये यमराज है, चलता फिरता, कभी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए और हम भी नहीं बैठ पाएंगे इस गाड़ी पे. स्टार्टिंग में तो क्या हुआ, फैमिली ने बहुत मना करा, उसके बाद जिद करते रहे तो उन्होंने ठीक है दिला दी. लेकिन हाँ, लेकिन अब फैमिली वाले बैठ नहीं पाते इसके पीछे. हाँ, मम्मी वगैरह तो हाँ, रोज गाली देती हैं. हाँ, रोज कोई नहीं बैठता इसके पीछे. कभी कभार दोस्त लोग बैठ जाते हैं या गर्लफ्रेंड? नहीं, गर्लफ्रेंड तो नहीं है हमारी. दोस्त लोग बैठ जाते हैं. हाँ, दोस्त लोग बैठ जाते हैं. वैसे मैं अकेला राइड करता हूँ इसको. अच्छा, अकेले चलाने में वैसे इसको ज़्यादा मज़ा आता है. मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे आप पिलियन के साथ जब इसको चलते हो तो उसमें गाड़ी की पावर में थोड़ा सा डाउन आता है या नहीं आता? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, मैंने खुद ने भी ये चीज़ फील करी कि गाड़ी की ना पावर ऐसा लगता है खत्म हो गई यार. आता है क्या कहना है? आता है पिलियन के साथ. जैसे अगर पिलियन 80 kg से अबव है. हाँ, तो फिर इसकी पावर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है. और जैसे 80 kg के नीचे अगर पिलियन है ठीक है तो इसकी पावर थोड़ी बहुत डाउन, ज़्यादा नहीं होती. अच्छा, नॉर्मल होती है. हाँ,
और अगर 80 के से ऊपर है तो इसकी पावर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। अच्छा, जैसे अगर हम सोचें कि टूरिंग पे लेके जाएं, ट्रैवल करें किसी अपने पिलियन दोस्त के साथ, तो वेट देख के करें, वेट देख के करें, क्योंकि ज़्यादा वेट होगा तो गाड़ी की पावर थोड़ी सी डाउन होगी। अच्छा भाई, आप मेरे को बता रहे थे कि यार आपने हर किसी की माइलेज देखी, आपने जो यार दोस्त हैं, हमने वीडियोस में भी देखा किस गाड़ी की माइलेज बहुत अच्छी है, पर आपको नहीं दे रही है, ऐसा क्या हो गया, इसमें कितनी माइलेज दे रही है? मुझे ये वैसे फर्स्ट सर्विस से पहले मुझे ये 25 तक की माइलेज दे रही थी, और फर्स्ट सर्विस के बाद, मतलब सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, और फर्स्ट सर्विस के बाद 35 तक की माइलेज दे रही है, बस उस ऊपर नहीं पहुँच रही। भाई मेरी ड्यूक 390 ऐसा बोलना नहीं चाहूँगा, 400 सीसी की है, वो मेरे को 25 की माइलेज देती है, आपकी गाड़ी में पता नहीं ऐसा क्या है यार, बहुत एक्चुअल में कम दे रही है, अभी भी 28 की दिखा रही है मीटर में। अच्छा, जब आपने सर्विस कराई थी इसकी फर्स्ट सर्विस, उसमें पूछा था इन्होंने, मैंने पूछा था, वो बोल रहे आखिर चलाने के ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं इतनी रश भी नहीं चलाता। हाँ मैंने देखा यार, बहुत नॉर्मल चलाते हो आप। मैं इतनी रश भी नहीं चलाता, फिर भी पता नहीं कि माइलेज दे ही नहीं रही है। पता नहीं कितने की हुई थी पहली सर्विस भाई? पहली सर्विस की 1200 में हो गई थी, 1200 रुपए में, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ नहीं डालता कूलेंट। हाँ बस वो कह सकते हैं कि टॉप अप हुआ था, एक रिचार्ज हुआ था गाड़ी का छोटा सा, कि हाँ थोड़ा सा इंजन ऑयल डाल दिया और कूलेंट डाल दिया, और एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, ऑयल फिल्टर चेंज हो गया, एयर फिल्टर तो क्लीन ही कर दिया होगा। हाँ नहीं नहीं वो एयर फिल्टर तो छुआ भी नहीं छुआ, नहीं छुआ। अच्छा चलो, सीट कंफर्ट कैसा भाई इस गाड़ी का, क्योंकि पीछे वाला तो बिल्कुल नहीं है, उसको तो हर कोई एग्री करेगा, सीट आगे वाला कैसा राइडर के लिए अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो? सीट कंफर्ट पे बात करें तो हो जाता है थोड़ा बहुत, मतलब लाइक थोड़ा, जैसे अगर हम टूरिंग कर रहे हैं तो फिर इसमें हमें दर्द हो जाएगा, या फिर तो इस पे कोई एडिशनल सीट होती है जैसे कुशन वगैरह जो लगवाते लोग अलग से, या तो वो लगवा लो, नहीं तो इसकी सीट तो बेकार है, बेकार है, बेकार है, दर्द हो जाता है, चेंज कराना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी आई हैं, देखो यार, क्योंकि गाड़ी ना सबसे ज़्यादा फीचरिस्टिक है अभी इस सेगमेंट में, देखो सबसे ज़्यादा फीचर यही देती है, चाहे क्विक शिफ्टर हो गया और कोई इसका स्लीपर क्लच हो गया, वो सारी चीज़ हो गई, कैसा वर्क करता है क्विक शिफ्टर, इसका क्लच वगैरह, गियरिंग वगैरह कितनी स्मूथ है, कितनी हार्ड है, अटकते हैं, क्या होता है? गियर्स नहीं अटकते, बस कभी कभार क्या होता है दूसरे गियर पर नहीं जाती और ये न्यूट्रल पर अटक जाती है। अच्छा, वैसे ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्लच वगैरह बढ़िया, क्लच वगैरह सब बढ़िया, टाइट वगैरह तो नहीं है? नहीं वो सब ठीक है। और इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कितना यूज करते हो? वो तो बेकार है, किसी काम के नहीं है, वो तो यूज ही मत करो, वो तो बेकार है। अभी तक मेरे को लगता है किसी कोई एक आधी बंदा होगा जिसने यूज करी होगी उसे, वरना कोई यूज नहीं करता होगा। मैंने स्टार्टिंग में जब ली थी 3-4 दिन तक तो ठीक है, कनेक्ट हो गई, बाद में अपने आप ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, मेरे को बार बार सर्विस सेंटर जाना पड़ रहा है। अच्छा, और सर्विस सेंटर वालों का रिस्पांस भी बहुत खराब है, नकारते हैं वो चीजों को ना, कि इसके पास जाके करवा लो, इधर करवा लो, वो देखेगा आपका काम, नंबर अभी नहीं आया। ये नहीं कि छोटे से काम को फटाफट करके, चलो कह सकते हैं भाई गाड़ियां बहुत ज्यादा है रोड पे, कितनी सारी R15 हो गई भाई, बहुत ज्यादा यार। मैं इसको लेके निकलता हूँ 10-15 तो मुझे दिख जाती है, 10-15। हाँ हर गली में 2-3 है भाई, हर गली में, और इतनी पता नहीं सस्ती नहीं हुई है बल्कि महंगी हुई है, फिर भी बहुत ज्यादा लोग ले रहे हैं, क्रेज बहुत है इसका। चलो, ये सारी चीजें, हैंडलिंग कैसी है भाई और सस्पेंशन कैसे है इस गाड़ी के? सस्पेंशन ठीक है, हैंडलिंग भी ओके है, मज़ा नहीं आया। मज़ा नहीं आया आपको? मज़ा नहीं आया। क्यों? हाई स्पीड पर मज़ा नहीं आता। जैसे कि लाइक कोई एग्जांपल कुछ हुआ हो कभी? एक बार हुआ था, आगे वो था ऑटो रिक्शा वाला था आगे, मैंने ब्रेक मारी, हैंडल वॉबल कर गया पूरा का पूरा, और जैसे मैं कभी कभी हाई स्पीड पर लगा, मैं इसको एक बार 120 ले गया था, तो उस टाइम हैंडल वॉबल मार गया था। लाइट वेट भी तो इतनी है ये। हाँ बहुत है। पर ऐसी चीजें मेरे साथ कभी नहीं भाई, ऊपर वाले के गॉड गिफ्टेड है। पता नहीं BS7 में क्या हो रहा है इतना। हाँ यार, इस वाली गाड़ी में ना, मतलब ये स्पेशली ये वाला लास्ट वाला जो वेरिएंट है, इसमें बहुत शिकायतें आ रही है। मेरे एक दोस्त है, उसकी भी माइलेज नहीं दे रही है, उसको भी थोड़ा सा ये हीटिंग इशू का बहुत है। जब हीटिंग इशू इसके अंदर आता है ना, तो ये पूरा घर 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 सा करने लग जाता है ना, जैसे मिट्टी जमा हो गई है इसके उसमें कूलेंट में, और हीट बहुत मारती है, हीट बहुत ज्यादा मारती है, मारते ना हीट, हीट बहुत ज्यादा मारती है, बहुत ज्यादा पैरों पे आता है। हाँ बहुत ज्यादा यार, पहले पुरानी वाली R15 में नहीं आया भाई कभी भी, ना V3 में आया। पहले सर्विस के बाद थोड़ा ठीक हुआ है, पहले सर्विस से पहले तो बहुत ज्यादा मारती थी। हाँ। और अब तो थोड़ा, मतलब वो ठीक है कि अभी बहुत मारती है, पहले जैसी का कोई बात नहीं है। और वाइब्रेशन नहीं है, हल्की फुल्की जैसे ज्यादा देर चला ली, मतलब तो नॉर्मल है, खैर उसको इतना वो नहीं देंगे, वो ठीक है। अगर आज के टाइम पे मैं आपको बोलूँ, क्योंकि देखो N250 भी आ गई, इससे सस्ती है, NS200 भी है, NS400 भी है, ये भी है, RS200 भी है, करिश्मा भी है, आप अगर 2,40,000 रुपये का आपका कोई दोस्त आता है आपके पास लेकर, आपको कोई बोलता है कि मेरे को एक बाइक सजेस्ट करो, क्या उसमें R15 होगी? हो सकती है, लेकिन थोड़ा नीचे होगी। जैसे कि नंबर वन पे कौन सी आएगी फिर? नंबर वन पे अगर मैं बोलूँ तो KTM ले लो, KTM ले लो, या फिर तो अभी वो आई है, वो NS400 आई है, वो ले लो। हाँ ये भी एक अच्छा ऑप्शन है यार, इससे सस्ती है भाई। हाँ, इससे सस्ती है, इससे सस्ती है, 2,22,000 रुपये की, तो आपके 12-15,000 रुपये बच भी जाएंगे।
बाकी बट जो ये लुक्स है ना, ये आपको किसी सेगमेंट में नहीं मिलेंगे, किसी ब्रांड में नहीं मिलेंगे। 400 सीसी तक बस एक एप्रिलिया है जो इसको टक्कर देती है लुक्स में, वरना अभी तक मुझे नहीं लगता कोई फेयर बाइक में, कोई मशीन में इससे बढ़िया लुक्स किसी के आए। किसी के नहीं है, किसी के बढ़िया। ये एक रीजन है इसका शायद बिकने का भी, इसका इंजन इतना रिलायबल है उसकी वजह से भी। प्राइस बहुत महंगा कर दिया इसका। थैंक यू अदर्थ भाई, आपने बहुत अच्छा अच्छा बताया इस गाड़ी के बारे में। और यही थी भाई एक छोटी सी डेडिकेटेड वीडियो, लॉन्ग टर्म नहीं था, एक छोटा सा डेडिकेटेड वीडियो था कि एक प्रैक्टिकल लाइफ में बंदे के थॉट प्रोसेसर क्या रहते हैं गाड़ी को लेके, और लेने के बाद क्या हो जाते हैं, वो चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिली होंगी। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।